हाउ टू डिसेबल गूगल क्रोम एड्स। दोस्तों, क्या आप अपने गूगल क्रोम में एड्स को ब्लॉक करना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल क्रोम में एड्स को कैसे ब्लॉक करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने गूगल क्रोम में एड्स को ब्लॉक करने के लिए आपको गूगल क्रोम ऐप ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ऐप ओपन करेंगे तो राइट साइड में ऊपर आपको तीन डॉट्स दिखाई देंगे, तो उन तीन डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उन तीन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइट सेटिंग्स, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप साइट सेटिंग्स के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको ऑल साइट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन जिन वेबसाइट पर आपने विजिट किया है उसका डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ से वन बाय वन करके इस डेटा को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ऑफ़ कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑफ़ करेंगे जो भी आपके गूगल क्रोम में पॉपअप एड्स आएंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको बैक आ जाना है और नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट यू एड्स, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इस ऑप्शन को भी ऑफ़ कर लेना है और यहाँ से आपको पूरा बैक आ जाना है। अब आपको अपने सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको एड्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी एडवर्टाइजिंग आईडी दिखाई देगी, तो यहाँ से आपको इस एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी का ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक करके अपने एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। ऊपर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट का लिंक दिखाई दे रहा है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको होम, पर्सनल इन्फो, डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, तो डेटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको पर्सनलाइज एड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको माई एड सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑफ कर लेना है। यहाँ पर आपका डेटा गूगल के पास अवेलेबल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको इस डेटा को ऑफ़ कर देना है। तो पर्सनलाइज एड्स के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑफ़ कर दीजिए। जैसे आप इन सभी सेटिंग को करेंगे तो आपके गूगल क्रोम में एड्स जो है कुछ देर तक ब्लॉक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।